हेलो फ्रेंड, स्टील फिटर ट्रेनिंग चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड देख सकते हैं, ये एक स्ट्रक्चरल स्टेयर केस का रेलिंग का ड्राइंग आया हुआ है। किस तरीका से हम इसको लेआउट मार्किंग करेंगे, इसका हम कटबैक कैसे निकालेंगे, यहाँ पर जो एल्बो है उसका हम डिग्री कैसे निकालेंगे, कितना डिग्री के यहाँ पर एल्बो रहेगा, उसको कैसे हम माइटर में कटिंग करेंगे, यहाँ पर जो कटबैक आएगा लेटरल जैसा उसका हम कटबैक कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इसका सीखेंगे कि लेआउट कैसे हम मार्किंग करेंगे फैब्रिकेशन करने के लिए। जब हमें फैब्रिकेशन करना होता है तो पहले हम इसको लेआउट मार्किंग करते हैं और उसके ऊपर रख करके इसको फैब्रिकेशन करते हैं। इसको जब आप साइड व्यू देखते हैं इधर से, तो यहाँ पर जो पाइप है वो किस डिज़ाइन में है वो यहाँ पर आपको दिखता है। देख सकते हैं यहाँ ऊपर में, यानी कि यहाँ से ऊपर जाने के बाद यह पाइप जो है इस तरीक़ा से यह बाहर की तरफ निकला हुआ रहेगा। देख सकते हैं ये जा कर के उस तरफ निकला हुआ है, तो इस तरीक़े से यह जो है डिज़ाइन दे रहा है। ये किस तरफ से व्यू दे रहा है उसे देखने के लिए हम इसका टॉप व्यू देखेंगे। तो टॉप व्यू यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया इसका ये टॉप व्यू है। तो यहाँ पर टॉप व्यू में आप देख सकते हैं, यहाँ से ऐसे पाइप जा करके ये इस तरफ में निकला हुआ है। यानी कि मान लीजिए कि ये जो अभी प्लेट के ऊपर रखा गया है, तो अगर हम इसको टॉप से देखते हैं तो ये प्लेट की तरफ ही ये जा रहा है पाइप। एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ कि एग्जाम्पल ये प्लेट के ऊपर इसी पोजिशन में रखा गया है, तो ये जो पाइप है किस तरफ जा रहा है, हमारे तरफ आ रहा है ऊपर के साइड में या प्लेट की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर जब हम टॉप व्यू देखते हैं तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है ये प्लेट के तरफ ही जा रहा है। इधर प्लेट है, इसे प्लेट के ऊपर ये लेआउट बना करके रखा गया है और ये प्लेट की तरफ जा रहा है। तो जब इसका फैब्रिकेशन होगा तो सिर्फ इतना ही होगा, यहाँ तक ये जो पाइप बाहर की तरफ जो निकला हुआ है ये जो है पलटी करने के बाद उल्टा करके उसके बाद ये वाला पाइप जो है लगेगा, पाइप और एल्बो, इतना वाला जो भाग है जो बाहर निकल रहा है वो आपको फैब्रिकेशन इसको पलटी करने के बाद ही करना होगा, अगर आप सीधा सीधा ऐसा ही मार्किंग कर रहे हैं तो। अगर आप चाहते हैं कि ये जो है साथ में ये भी लग जाए, तो आपको इसका जो लेआउट है उल्टा आपको मार्किंग करना होगा। यानी कि इस तरफ से जो डिग्री है वो डिग्री इस तरफ से जाएगा, तब जा करके ये जो पाइप है ऊपर की तरफ रख करके फिटिंग आप कर सकते हैं। तो इस चीज़ को पहले ध्यान रखना पड़ता है कि हमें किस तरफ से लेआउट मार्किंग करना है। और एक चीज़ का आपको ध्यान देना है कि जो यहाँ पर प्लेट लग रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ पर जो प्लेट लग रहा है वो पाइप के ऊपर है या पाइप के नीचे है। मान लीजिए कि यहाँ पर हम प्लेट के ऊपर रखे हुए हैं, ये पाइप जो है लेआउट पे रखा गया है, तो ये प्लेट जो लगाया गया है यहाँ पर वो पाइप के ऊपर है या फिर पाइप के नीचे है। तो यहाँ पर हमें टॉप व्यू में यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर दिख रहा है पाइप के ऊपर दिख रहा है। तो इधर मान लीजिए हमारा ये लेआउट के ऊपर ये ऐसे रखा गया है, इसके ऊपर इधर प्लेट है और इधर में ये पाइप उसके ऊपर रखा गया, तो इसके ऊपर ये प्लेट आ रहा है। तो आप इसको उल्टा भी रखेंगे तो और अच्छा ही रहेगा, उल्टा अगर आप लेआउट मारते हैं तो, और नहीं तो आप ये पाइप के ऊपर प्लेट लगा करके सीधा ही लेआउट मार्किंग करेंगे जब आप, तो पाइप के ऊपर ये प्लेट रख करके इसको ज्वाइंट करना होगा। तो आप सीधा भी रख करके इसको फेब्रिकेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब हम मार्किंग करेंगे तो हम इसको सीधा ही लेआउट मार्किंग करेंगे, उल्टा मार्किंग नहीं करेंगे, ताकि आपको क्लियर समझ में आए। यहाँ पर देखिए जो फुल डायमेंशन यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो दिया गया है, ये पाइप के सेंटर से लेकर के यहाँ पर जो वेंट्रिकल में जो पाइप है उसके सेंटर तक यहाँ पर डायमेंशन दिया गया है 1727 mm। उसके बाद इसी सेंटर से लेकर के पूरा नीचे तक यहाँ पर जो आ रहा है, यहाँ पर जो मिल रहा है पाइप के एंड तक, उसका डायमेंशन यहाँ पर टोटल डायमेंशन 2 मीटर 151 mm दिया गया है। तो हमें ये स्क्वायर डायमेंशन मिल गया कि हमें एक स्क्वायर ऐसे मार्किंग करना है 1727 और 2 मीटर 151 mm। इस तरीक़े से हम क्या करेंगे, एक लेआउट हम ऐसे मार्किंग करेंगे। इस तरीक़े से हम एक लेआउट मार्किंग कर लेंगे, जो डायमेंशन वहाँ पर दिया गया था, यहाँ पर दिया गया था यहाँ पर रहेगा 1727 और इधर का जो डायमेंशन रहेगा वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक 2 मीटर 151 mm डायमेंशन रहेगा। इस तरीक़े से आपको स्क्वायर डायमेंशन मार्किंग कर लेना है और उसका हम डायगनल चेक कर लेंगे कि यह डायगनल बराबर है कि नहीं, आपको पूरा बराबर ये 90 में ये जो होना चाहिए इसका, यहाँ कि यहाँ से हम चेक करेंगे जितना डायमेंशन इधर आ रहा है उतना ही डायमेंशन इधर से इधर होना चाहिए, यानी कि आपका स्क्वायर डायमेंशन बराबर है। इस तरीक़े से आपको स्क्वायर डायमेंशन मार्किंग कर लेना है, तब यहाँ पर देखेंगे हम किस तरीक़े से ये सब पाइप का जो है लेआउट मार्किंग करेंगे, डिग्री वाला और ये सब वर्टिकल वाला। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये वर्टिकल वाले पाइप का हम मार्किंग करेंगे। तो वर्टिकल वाले पाइप का डायमेंशन यहाँ पर दे रहा है कि इस पाइप के सेंटर से यानी कि एंड से 486 mm पर एक आपको मार्किंग करना है, सीधा 486 mm पर एक वर्टिकल पाइप आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक 486 mm पर एक हम सीधा मार्किंग करेंगे,
बिल्कुल सीधा इस तरीके से, इधर से इधर 486 मार्किंग करेंगे और यहाँ पर भी एक 486 मार्किंग करेंगे और सीधा मार्किंग कर देंगे। तो एक हो गया ये वर्टिकल पाइप का मार्किंग, और दूसरा वाले का यहाँ पर देखिए डायमेंशन ही नहीं दे रहा है। यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक का ये वर्टिकल पाइप का डायमेंशन यहाँ पर नहीं दे रहा है, लेकिन जब इसका टॉप व्यू वाले में हम यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ पर इसका डायमेंशन दिया गया है। देख सकते हैं यहाँ से 400, यहाँ ये पाइप के सेंटर से 486 और ये पाइप के सेंटर से 221 mm पर वर्टिकल पाइप का यहाँ पर डायमेंशन दोनों दिया गया है। यानी कि इस पाइप के सेंटर से ये पाइप का सेंटर जो डायमेंशन है 221 mm है, तो हम उसका भी यहाँ पर एक 221 mm इधर और 221 mm इधर मार करके और एक सीधा मार्किंग इस तरीके से कर देंगे। देख सकते हैं इस तरीके से आपको जो है मार्किंग कर देना है। अब ये जो डिग्री वाला जो सेंटर लाइन है उसका अब हम मार्किंग करेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक डायमेंशन दिया गया है 208 mm, यहाँ नीचे से 208 mm पर मार्किंग करना है बिल्कुल सेंटर वाले लाइन पर। देख सकते हैं जो मेन सेंटर लाइन जो डायमेंशन दिया गया है टोटल डायमेंशन, उस सेंटर से आधा पाइप जो है बाहर जा रहा है और आधा पाइप अंदर जा रहा है, तो सेंटर पर ही हम एक मार्किंग करेंगे 208 mm, वहीं से एक डिग्री में पाइप जा रहा है 208 mm पर एक मार्किंग करेंगे। तो यही है मेन सेंटर लाइन जहां पर पाइप आधा इधर और आधा इधर जा रहा है, तो यहां पर हम क्या करेंगे 208 पर एक हम इस तरीके से मार्किंग कर देंगे। और उसके बाद यहां पर देखिए इसी पाइप का यहां पर जो है यहां पर ये डायमेंशन दिया गया नीचे से 760 mm और 734 mm पर एक यहां पर आपको मार्किंग करना है बिल्कुल लास्ट में। देख सकते हैं यहाँ पर 1727 mm जो है बिल्कुल सेंटर में ही यहाँ पर आकर के मिलेगा, ये वाला पाइप जो है इसी के सेंटर में जो डायमेंशन दिया गया है 1727 mm के सेंटर में ही आकर के यहाँ पर ये वाला डायमेंशन मिल रहा है। दोनों डायमेंशन 760 और 734 mm को दोनों को प्लस करके यहाँ से यहाँ हम एक मार्किंग कर देंगे ये वाले सेंटर पे। जब हम इसको मार्किंग करेंगे तो ये जो होगा यहाँ से आपको क्या करना है, एक ऐसे लाइन आपको मिला देना है, ये लाइन मिल गया। उसके बाद दूसरा डायमेंशन दे रहा है यहाँ पर इसी पॉइंट से 425 mm पर एक और मार्किंग करना है, तो हम यहाँ से एक ऊपर की तरफ 425 mm पर एक मार्किंग करेंगे। ये हो गया यहाँ से यहाँ 425 mm, और उसके बाद ये पाइप का सेंटर जहाँ पर जाकर मिल रहा है वहाँ का डायमेंशन देखिए, यहाँ पर जो हमने डायमेंशन मारा था सेंटर वहाँ से 181 और 244 mm मार्किंग करना है। अगर आप ऊपर से मार्किंग करते हैं तो 231 mm पर एक मार्किंग करना है। तो इस तरीके से हम मार्किंग कर देंगे, ऊपर से ही मार्किंग कर सकते हैं। देख सकते हैं ऊपर से दिया गया है 231 mm पर, यहाँ से ऊपर से यहाँ पर 231 mm पर हमने मार्किंग कर दिया, और एक मार्किंग कर देंगे जो पाइप यहाँ पर जाकर के मिल रहा है, तो हम बाद में मार्किंग करेंगे, पहले हम मेन सेंटर लाइन मार्किंग कर लेंगे इस तरीके से। तो 231 mm पर मार्किंग करने के बाद यहाँ से हम एक लाइन इसको भी ला करके इसमें मिला देंगे इस तरीके से। इस तरीके से आपको लाइन ला करके मिला देना है। तो ये डिग्री में जो पाइप है उसका भी लेआउट हो गया, जो वर्टिकल में जो पाइप है उसका भी लेआउट मार्किंग हो गया। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पाइप का यहाँ पर सेंटर जो जाकर के यहाँ पर मिल रहा था उसके सेंटर से यानी कि नीचे की तरफ जो रहेगा 734 mm पर एक मार्किंग करना है। 734 mm तक ही ये पाइप जो रहेगा वर्टिकल वाला रहेगा, यानी कि ये वाला जो पाइप जा करके यहाँ पर जो मिल रहा है यहाँ से नीचे की तरफ 734 mm पर आकर के यहाँ पर यानी कि ऐसे लंबा एक आपको मार्किंग कर देना है। देख सकते हैं इस तरीका से, और एक जो रहेगा पूरा यहाँ तक रहेगा नीचे तक वर्टिकल वाला जो पाइप है। अब हम क्या करेंगे कि पाइप का आउटर मार्किंग करेंगे, तो वर्टिकल वाला जो पाइप है उसका हम आउटर मार्किंग करेंगे यहाँ से ऐसे इस तरीके से आपको एक आउटर मार्किंग करना है। उसके बाद यहाँ पे जो वर्टिकल पाइप है वो यहाँ से आ रहा है 734 mm पर, ये सेंटर जहाँ पर जाकर के मिल रहा है वहाँ से नीचे की तरफ 734 mm पर जो मार्किंग हुआ है। यहाँ पर देखिए पाइप का आउटर जो आपको देखना है कि ये पाइप कितना इंच का है, पाइप कितना इंच का है। जैसे मान लीजिए कि इसका ओडी जो है 48 mm है, तो उसको दो से डिवाइड कर देंगे, लग डेढ़ इंच का पाइप है तो उसको ओडी निकालेंगे और उसका ओडी को दो से डिवाइड कर देंगे और सेंटर से आधा इधर और आधा इधर मार्किंग करके दोनों तरफ का लाइन हम खींचेंगे। यहाँ पर जो हमने किया है ये पाइप का ओडी डायमेंशन है, आउटर डायमेंशन दो जगह हमने यह मार्किंग कर दिया।
अब यहाँ पर जो रेलिंग जो जा रहा है उसका हमें आउटर मार्किंग करना है। तो ड्राइंग में देख सकते हैं ये यहाँ से आकर के ऐसे घूम रहा है, उसके बाद ऊपर जा रहा है, तो इसका भी हम आउटर मार्किंग करेंगे। इस तरीक़ा से क्या करेंगे, इस पाइप का ओडी जो है कितना है, आधा इधर और आधा इधर हम दो तीन जगह मार्किंग कर लेंगे। और एक इधर ये पाइप का आउटर मार्किंग हो गया। इस तरीक़े से आपको आउटर जो है मार्किंग करना है, इस तरीके से आपको आउटर जो है पाइप का मार्किंग कर देना है। ये पाइप का आउटर मार्किंग हो गया। यहाँ पर जो प्लेट जो लगाया गया है इसका भी, यहाँ पर जो प्लेट लगाया गया है इसका भी हम आउटर मार्किंग कर लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर जो प्लेट दिया गया है उसका हम ये नंबर देख करके मटेरियल लिस्ट में से प्लेट हम ले लेंगे और प्लेट का देख लेंगे कि चौड़ाई कितना है, होल का डायमेंशन है। होल का भी आप लेआउट मार्किंग कर सकते हैं और नहीं तो आउटर आउटर भी मार्किंग कर सकते हैं। तो आउटर के लिए आपको आउटर पता करना होगा, इसका आउटर डायमेंशन कितना है। स्क्वायर जो है यहाँ पर एक मार्किंग कर देंगे, प्लेट का आउटर जो है यहाँ पर आ रहा है। इस तरीके से आपको आउटर जो है प्लेट का मार्किंग कर देना है, जितने दूरी में यहाँ पर ये आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर आपको पाइप का आउटर जो है मार्किंग करना होगा। तो इस तरीक़े से हम क्या करेंगे कि एक पाइप का आउटर जो है यहाँ पर हम मार्किंग कर देंगे। दोनों तरफ आपको बढ़ा बढ़ा कर मारना है और एक आउटर यहाँ पर भी हम मार देंगे इस तरीक़े से। इस तरीक़े से आपको आउटर जो है दोनों तरफ मार्किंग कर देना है। देख सकते हैं यहाँ पे पाइप आ रहा है, सेंटर से आधा इधर और आधा इधर आ रहा है, और यहाँ पर भी सेंटर से आधा इधर और आधा इधर है। तो हमने इसका भी और इसका भी दोनों का आउटर एक ही बार में मार्किंग कर दिया। यहाँ पर लेआउट जो है तैयार हो गया। अब आप इसके ऊपर पाइप रख करके फैब्रिकेशन कर सकते हैं। इसको आप क्या करना है, साइड साइड से हम क्लीट लगा देंगे और उसी में हम पाइप पहले ये वर्टिकल वाला पाइप रखेंगे और उसके बाद हम ये डिग्री वाला पाइप रखेंगे। पूरा लंबा पाइप रहेगा यहाँ से लेकर के और यहाँ तक। यहाँ पर ग्रुप जो है कटिंग होगा, देख सकते हैं जैसे आप ड्राइंग में देख सकते हैं, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ये सिंगल पाइप रहेगा। और ये जो वर्टिकल पाइप है वो भी यहाँ से लेकर के यहाँ तक सिंगल पाइप रहेगा और यहाँ से लेकर के यहाँ तक सिंगल पाइप रहेगा। और यहाँ से लेकर इस जॉइंट से लेकर के ये जॉइंट तक ये कट पीस पाइप रहेगा बीच में, और ये पाइप अलग रहेगा और ये वाला पाइप अलग रहेगा। और इधर से एक यहाँ पर पाइप आएगा, यहाँ पर एक छोटा पाइप आएगा, यहाँ पर एक पाइप आएगा, और ये तो पूरा बड़ा पाइप रहेगा यहाँ तक। और यहाँ पर एल्बो लगाने के बाद यहाँ पर एक पाइप आएगा और फिर से एक बैंड आएगा। यहाँ पर जो बैंड लगाने के बाद फिर से एक एक पाइप यहाँ पर आ रहा है दोनों में साइड से अगर आप देखेंगे तो। तो इसका जो है यहाँ पर जो कटबैक जो है उसका हम कटबैक कैसे निकालेंगे वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, किस तरीके से आपको इसका जो है कटबैक आपको निकालना है। यहाँ पर ये जो रेडियस में जो घुमा हुआ है उसका बैंड का हम कटबैक कैसे निकालेंगे, कितना डिग्री का यहाँ पर बैंड लगेगा वो हम कैसे मार्किंग करेंगे, और यहाँ पर कटबैक कैसे हम निकालेंगे दोनों का यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इजी तरीका बता रहा हूँ, यहाँ पर आपको कोई फार्मूला का यूज नहीं करना है। फार्मूला यूज करेंगे तो पाइप बड़ा छोटा हो जाता है। यहाँ ये जो मेन पाइप आपको ऐसे रख देना है और एक वर्टिकल पाइप आपको लगा लेना है पहले, और ये भी आप लगा लेंगे तो उसमें जो है डिग्री आपको सिर्फ इस यहाँ पर कटिंग करना होगा। ये वर्टिकल वाले पाइप में यहाँ पर आपको ग्रुप कटिंग होगा यहाँ, तो ये वाला जो है आपको ग्रुप सिर्फ यहाँ पर काटना है और ये जो है पूरा लेंथ लंबा पाइप रहेगा। तो ग्रुप जब आप कटिंग करेंगे तो आपको चेक करना है कि यहाँ से ले करके और यहाँ तक कितना डायमेंशन आ रहा है पाइप का, ये नीचे से ये मेन डिग्री वाले पाइप के नीचे से यहाँ तक कितना डायमेंशन आ रहा है, उसमें आपको क्या करना है 10 से 12 mm प्लस कर लेना है पाइप को। क्योंकि जब आप 10 से 12 mm प्लस करेंगे तो इस तरीक़ा से वहाँ पर जो है ग्रुप आपको थोड़ा सा डिग्री में आपको बनाना होगा। जो 10-12 mm प्लस करके और आपको क्या करना है ये देख लेना है कि ये कितने डिग्री में है। आप इसका डिग्री कैलकुलेशन कर सकते हैं कि ये पाइप जो है कितने डिग्री में आ रहा है यहाँ पर। ये जो पाइप है कितने डिग्री में है इसका डिग्री निकालने के लिए आप यहाँ से किस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे ताकि उतना डिग्री में आप एक ही बार में इसको पाइप का जो है क्रॉस कटिंग कर पाएँ। पहले आपको सीधा पहले क्रॉस कटिंग करना है यहाँ से लेकर के और यहाँ तक चेक कर लेना है कितना लेंथ है, उसमें 15 mm प्लस कर देना है और डिग्री कटिंग करना है पाइप को। तो डिग्री कटिंग करने के लिए हमें पता करना होगा कि ये पाइप जो है कितने डिग्री में जा रहा है। तो यहाँ पर जो सेंटर मिला है, यहाँ पर जो सेंटर मिला है यहाँ पर हम एक मार्किंग करेंगे, जैसे कि यहाँ से और यहाँ पर हमने एक मार्किंग कर दिया। यहाँ से ये कितना हाइट है, ये हाइट डायमेंशन लेना है और यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ये लेंथ डायमेंशन लेना है, यानी कि ये हो गया लंब और ये हो गया आधार।
ये आपको लंब और ये आधार लेना है। तो इस तरीका से ये हो जाएगा, देख सकते हैं ये जो डायमेंशन रहेगा यहाँ सेंटर से लेकर के यहाँ सेंटर तक, यहाँ पर लंब डायमेंशन डालेंगे और इधर का जो डायमेंशन वो आधार डायमेंशन हो गया, ये कितना आधार डायमेंशन है। और उसके बाद आपको कैलकुलेटर में टाइप करना है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो डायमेंशन है, यहाँ पर जो ड्राइंग में दिया है वही डायमेंशन रहेगा, 1727 mm है। तो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ये वाला जो रहेगा 1727 mm रहेगा। और उसके बाद हम चेक करेंगे कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना डायमेंशन है, तो ड्राइंग में ही वो डायमेंशन दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ सेंटर से आपको देखना है ये पाइप का डिग्री जहाँ पर जाकर के मिल रहा है वहाँ से हम ये डायमेंशन देखेंगे कि यहाँ कितना mm, यहाँ से कितना ये ऊपर जा रहा है, यानी कि इस सेंटर से ये कितना डिग्री में ऊपर जा रहा है उतना के यहाँ पर हमें डायमेंशन निकालना है। तो ये 360 और 683 और 244, ये तीनों डायमेंशन को हम प्लस कर लेंगे, 1287 mm डायमेंशन आ रहा है, 1287 यहाँ पर ये डायमेंशन आ रहा है। इस तरीका से हम ये लिख लेंगे और उसके बाद हम कैलकुलेटर में जाएंगे और यहाँ पर टाइप करेंगे टेन इनवर्स और डायमेंशन डालेंगे 1287 और डिवाइड करेंगे 1727 से। यहाँ पर डिग्री निकल जाएगा कि ये कितने डिग्री में ये जो पाइप है यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए आंसर आएगा वहाँ पर 36.6 डिग्री, यानी कि आप इसको 37 डिग्री भी ले सकते हैं, यहाँ से ये 37 डिग्री में जा रहा है ऊपर। तो यहाँ पर जो पाइप का जो डिग्री कटेगा, पहले आपको जो बड़ा सा कटर होता है डिस्क कटर ग्राइंडिंग मशीन, उसमें आपको 37 डिग्री पर सेट करके, या आप 36 डिग्री भी ले सकते हैं, 36 डिग्री में आप कटिंग कर सकते हैं। 36 डिग्री का पहले आपको डायरेक्ट जो है इसको कटिंग कर देना है, ये वर्टिकल वाले पाइप में, वर्टिकल वाले पाइप में यहाँ पर आपको 36 डिग्री कटिंग कर लेना है। और यहाँ से ले करके यहाँ तक पाइप जो है 15 जो डायमेंशन आएगा उसमें 15 mm प्लस रखना है। और उसमें क्या करना है कि 15 mm जो है एक इस तरफ ग्रुप निकालना है, वो आपको कैसे करना है मैं आपको एक डिज़ाइन में आपको समझा दे रहा हूँ। इस तरीका से ये आपका पाइप हो गया, उसमें हम क्या करेंगे 36 डिग्री जो है पहले कटिंग कर लेंगे। 36 डिग्री कटिंग हो गया, ये जो पाइप है हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो टोटल डायमेंशन है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जितना डायमेंशन आएगा उसमें 15 mm प्लस रखना है आपको। प्लस रखने के बाद हम 36 डिग्री कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद आपको क्या करना है कि 15 mm जो है इधर में आपको ग्रुप जो है दबा देना है और इधर ऊपर में भी ग्रुप जो है कटिंग कर देना है, 15 mm 15 mm दोनों तरफ। तो ये क्या होगा कि ये जा करके पाइप में चिपकेगा। तो पाइप में सेट जब हम करेंगे तो देखेंगे कि किधर में कितना गैप आ रहा है, उसको ग्राइंडिंग वगैरह मार करके उसको सेट करेंगे। और जब बराबर हो जाएगा तो इसी के ऊपर एक पेपर रख करके उसका हम एक टेम्पलेट तैयार कर लेंगे, ताकि जब हम दूसरा मार्किंग करेंगे तो ज़्यादा हमको ग्राइंडिंग ना करना पड़े। एक आपको ग्राइंडिंग वगैरह करके इस तरीके से बनाना है मैनुअल, और जब ये पूरा फिक्स इसमें बैठ जाएगा डिग्री में जा करके, तो उसका एक टेम्पलेट आपको तैयार कर लेना है और दूसरे वाले पर आप मार्किंग कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि इसी तरीका का 4-5 बनाना है, तो उस तरीके से यह जो है आपको काम आएगा। तो जब हम इसका इस तरीका से हम ये ग्रुप निकाल लेंगे तो यहाँ का ग्रुप आपका सेट हो जाएगा ये दोनों जगह का। अब रह गया बात इधर का ग्रुप कटिंग करना है आपको, यहाँ पर भी आपको, क्योंकि टुकड़ा पाइप अब यहाँ पर लगेगा, यहाँ पर भी ग्रुप कटिंग होगा, यहाँ पर भी ग्रुप कटिंग होगा, और इधर में तो आपका बैंड आएगा इस तरीका से। तो उसका हम लेआउट आपको बताएंगे किस तरीका से निकालना है। इधर का आपको सिर्फ ग्रुप कटना है और वो पाइप जो है डिग्री में रहेगा। तो जो टेम्पलेट आप यहाँ पर बनाएंगे वही टेम्पलेट यहाँ पर भी आपका काम आ सकता है। आपको सिर्फ क्या करना है कि यहाँ से ले करके और ये सेंटर तक जितना ये लेंथ आ रहा है उतना ही बड़ा आपको पाइप ले लेना है। और उसमें आपको क्या करना है, ये 36 जो डिग्री आया है उतना ही डिग्री में इधर भी आपको 36 डिग्री का पाइप जो है कटिंग कर देना है। इधर भी 36 डिग्री, इस पाइप में भी 36 डिग्री का हम कटिंग करेंगे, जैसे मैंने आपको ये वाला बताया। और उसमें 15 15 mm ग्रुप काटना है। तो ग्रुप जब आप काटेंगे, जब आप एक बार इसका टेम्पलेट जो है तैयार कर लेंगे ग्रुप बनाने के बाद, तो इस पे उसी टेम्पलेट से आपका यहाँ पर मार्किंग हो जाएगा। सेम वैसे ही ये पाइप के आउटर से, ये पाइप के आउटर तक हम चेक करेंगे कि ये पाइप का डायमेंशन कितना आ रहा है। और इसमें हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर प्लस होगा और इधर में माइनस होगा। तो 15 mm इधर प्लस रखेंगे
या 10 mm भी रखेंगे तो भी हो जाएगा, लेकिन हम 15 mm बता रहे हैं क्योंकि पाइप छोटा ना हो, भले ग्राइंडिंग करके हमें बाद में लगाना पड़े, एक बार आपको ट्राई कर लेना है। और 10 से 15 mm इधर भी प्लस रखेंगे ये डायमेंशन से, यानी कि सेंटर से सेंटर हम चेक करेंगे कितना डायमेंशन आ रहा है, और 20 से 25 या 30 mm प्लस रखना है पाइप को। और उसके बाद इसमें जो है, जो हमारा यहाँ पर टेम्पलेट जो तैयार है उसी टेम्पलेट के हिसाब से एक ऊपर में ग्रुप जो है कटिंग होगा, यानी कि देखना है आपको कि ऊपर वाला भाग जो है वो ऊपर वाले में बैठना चाहिए और जो नीचे वाला जो भाग है वो आकर के नीचे वाले में इस तरीके से बैठना चाहिए, नीचे वाले में इस तरीके से। वही टेम्पलेट, यहाँ वाला टेम्पलेट भी वही यहीं पर भी काम करेगा। तो इस तरीके से सेंटर लाइन यहाँ पर मारने के बाद, इस पाइप में आपको सेंटर लाइन मारना होगा ताकि हम एक ऊपर और एक नीचे देख सकते हैं। यहाँ ऊपर आने के बाद बड़ा वाला भाग ऊपर जाता है और नीचे आने के बाद बड़ा वाला भाग जो है नीचे की तरफ आता है, तो उसको उल्टा करके आपको मारना होगा यहाँ पर जो है कट बैक इसका। यहाँ पर भी आपको ऐसे ही करना है, यहाँ से यहाँ तक सेंटर तक आपको चेक करना है कितना पाइप का लेंथ है, उतना पाइप आपको पहले ले लेना है और उसमें यही वाला जो आपका टेम्पलेट है वही काम में आएगा। यहाँ पर वही टेम्पलेट काम आएगा, यहाँ पर तो पूरा लेंथ पाइप रहेगा यहाँ तक। तो ये आपका मैंने आपको बता दिया किस तरीके से आपको ग्रुप जो है तैयार किया जाता है, टेम्पलेट बनाया जाता है। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, एक बार आपको ग्राइंडिंग वगैरह करके कैसे भी इसका कटबैक निकाल लेना है और इसके ऊपर एक पेपर यानी कि कार्डबोर्ड जो होता है मोटा वाला उसको रख करके उसका टेम्पलेट पेंसिल से या पेन से मार्किंग करके उसको कटिंग कर लेना है, और उसी के जरिए आपका जहाँ जहाँ पर ग्रुप आ रहा है वहाँ वहाँ हम कटिंग करके लगाएंगे। उसके बाद हम अब इसका बात करते हैं कि यहाँ पर हमें किस तरीके से एल्बो का डिग्री निकालना है। तो आपको क्या करना है उसके लिए, ये आपको देखना है कि ये 1.5 इंच का पाइप है, मान लीजिए 1.5 इंच का रेलिंग लग रहा है, 1.5 इंच पाइप का, तो 1.5 इंच एल्बो सेंटर कितना होता है, 90 डिग्री का एल्बो सेंटर कितना होता है, तो उतना एल्बो सेंटर लेना है। आपको क्या करना है कि ये पाइप के सेंटर से यहाँ पर एक मार्किंग करना है, यहाँ पर एक हम मार्किंग कर देंगे ऐसे, जितना एल्बो का सेंटर रहेगा उतना ही दूरी पर एक मार्किंग करना है, और एक जगह हम एक और मार्किंग करेंगे। एल्बो सेंटर 1.5 इंच का यहाँ पर लगाना है हमें, 90 डिग्री का एल्बो सेंटर लेना है, ये सेंटर से यहाँ पर एक मार्किंग करना है, ये सेंटर से एक यहाँ पर मार्किंग करना है, और एक हमें इस तरीके से लाइन ऐसे खींच देना है, ऐसे आपको एक लाइन खींच देना है। और फिर इधर भी आपको क्या करना है, वही एल्बो सेंटर एक यहाँ पर मार्किंग करना है और एक यहाँ पर मार्किंग करना है और एक ऐसे लाइन खींच देना है, इस तरीके से आपको एक लाइन खींच देना है। तो दोनों का हम कलर थोड़ा अलग कर लेते हैं ताकि हमें क्लियर दिखाई दे। इस तरीके से आपको लाइन खींचना है एल्बो सेंटर मार्किंग करने के बाद, यह सेंटर से एल्बो सेंटर इस तरफ मार्किंग करना अंदर की तरफ, और इधर से अंदर की तरफ हम एल्बो सेंटर एक और मार्किंग करेंगे दो जगह, और इस तरीके से लाइन खींच देंगे। और फिर यहाँ ऊपर में भी हमें एल्बो सेंटर के यहाँ पर एक दो जगह मार्किंग करेंगे यहाँ से और यहाँ पर, और इस तरीके से हम एक लाइन खींच देंगे। तो आपको देखिए यहाँ पर एक पॉइंट मिल जाएगा, यहाँ पर एक पॉइंट आपको मिलेगा, देख सकते हैं ध्यान से। अब इसको जूम कर लेता हूँ ताकि आपको मैं समझा पाऊँ। यहाँ पर आपको क्या होगा कि एक पॉइंट यहाँ मिलेगा और एक पॉइंट यहाँ पर मिलेगा, जब आप इस तरीके से लाइन खींचेंगे दोनों तरफ से तो एक यहाँ पर आपको पॉइंट मिलेगा। तो आपको डिवाइडर से क्या करना है कि यहाँ पर एक मार्किंग करना है, राउंड मार्किंग। ये क्या है, हमारा यहाँ से लेकर के एल्बो सेंटर का यहाँ पर है, और उसका हाफ ओडी जब हम प्लस करेंगे इसी एल्बो सेंटर में तो हमारा आउटर रेडियस मार्किंग हो जाएगा। हाफ ओडी प्लस करके हम इस तरीके से एक डिवाइडर से राउंड मार्किंग हम करेंगे। तो उसका कलर हम अलग कर लेते हैं। आपको डिवाइडर से जब आप मार्किंग करेंगे तो ओडी में जाकर मिलेगा, ये हमारा पाइप का ओडी है और ये ग्रीन वाला हमारा पाइप का सेंटर लाइन है। जब हम सेंटर से डिवाइडर मार्किंग करेंगे आउटर आउटर एल्बो सेंटर में, आपको हाफ ओडी प्लस करना है और इस तरीके से एक राउंड मार्किंग कर देना है, देख सकते हैं। और फिर से हम क्या करेंगे कि इसी एल्बो सेंटर जो हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो एल्बो सेंटर है, यहाँ से यहाँ तक देखिए, यहाँ से यहाँ तक जो हमारा एल्बो सेंटर है उसमें अब क्या करना है कि हाफ ओडी माइनस कर देना है। इसका जो पाइप का हाफ ओडी है माइनस करेंगे तो इन साइड का रेडियस यानी कि राउंड डायमेंशन आपको मिल जाएगा। तो वो यहीं से डिवाइडर से राउंड मार्किंग यहाँ पर एक होगा इस तरीके से छोटा सा, जो कि ये पाइप का जो इन साइड का जो ओडी है इसमें जाकर के मिलेगा। यहाँ पर जो इन साइड का जो ओडी है ये इसी में ऐसे जाकर के मिलेगा, देख सकते हैं इस तरीके से ये रहेगा। अब आप यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है, यहाँ पर अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक राइट एंगल लगाना है। कहाँ पर लगाना है, इस सेंटर से
यानी कि यहाँ पर आप एक राइटिंगल ऐसे लगाएंगे तो यहाँ पर एक सीधा आपको एक लाइन मिलेगा, देख सकते हैं। यहाँ पर आपको एक राइटिंगल लगा करके एक सीधा इस सेंटर में और इस लाइन में एक राइटिंगल लगा करके एक इधर मार्किंग कर देना है, और एक राइटिंगल जो है आप इसी सेंटर में लगा करके एक इधर ये जो मार्किंग है आपको, तो ये मार्किंग है ये है। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक 90 डिग्री का बैंड जो है आपका तैयार हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से ये सेंटर से यहाँ पर आपको एक राइटिंगल लगाना है। देखिए राइटिंगल कहाँ लगेगा, ये वाला जो लाइन है इसी में राइटिंगल लगेगा ऐसे, ये राइटिंगल है आपका मान लीजिए, और सेंटर इस सेंटर में मिलना चाहिए इसका एक तरफ का जो राइटिंगल का भाग है जो है वो इस तरीके से इसमें मिलना चाहिए। तो अंदर हमें एक मार्किंग मिल गया, आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं, यहाँ पर एक राइटिंगल लगा तो एक लाइनिंग ऐसे मिल गया, तो हम इसको राइटिंगल हटा देते हैं, एक लाइनिंग हमें सीधा ऐसे मार्किंग करना है, ये आपको ध्यान देना है। तो ये भी हमें राइटिंगल लगा करके इस पॉइंट से और इसमें, इसमें जब हम यहाँ पर देखिए जब हमने ये सीधा लाइन मारा तो हमें ये 90 मिल रहा है ना यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर राइटिंगल लगा करके सीधा एक मार्किंग करना है। तो देख सकते हैं एक हमारा जो है 90 डिग्री का बैंड जो है यहाँ पर एक तैयार हो गया। मैं इसको आपको क्लियर करके दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पर देखिए ये सब हम मिटा दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आएगा कि हमारा बैंड जो है कहाँ कहाँ पर तैयार हो रहा है। एक बैंड ये तैयार हो गया जो 90 डिग्री का रहेगा, और एक और बैंड जो है तैयार हो गया जो कि अलग डिग्री का रहेगा, वो अपने आप आ जाएगा। यहाँ पर इस पाइप का जॉइंट रहेगा, ये लेआउट आपका तैयार हो गया, यहाँ से इस तरफ ऐसे घूम के जा रहा है, और सेम ऐसे ही यहाँ पर भी एक हम राउंड जब मार्किंग करेंगे इस तरीके से, पाइप के आउटर पहले मार्किंग करेंगे हाफ ओडी प्लस करके, एल्बो सेंटर में हाफ ओडी प्लस करेंगे, और इसके सेंटर से हमें ये इस तरीके से राउंड मार्किंग करना है, और फिर से हम एल्बो सेंटर में हाफ ओडी माइनस करेंगे तो उसका हमें रेडियस वो इन साइड का हमें यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर का एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर जब आप इसको क्या करेंगे, यहाँ से एक हमें सीधा लाइन ऐसे खींचना है, और यहाँ से हमें एक इस तरफ एक सीधा लाइन खींचना है, तो यहाँ का एल्बो का बैंड जो है आपका तैयार हो जाएगा कि वो कितने डिग्री का रहेगा यहाँ से यहाँ तक। इसको भी हम पेंट कर देते हैं, ये जो है बैंड आपका जो है तैयार हो गया। अब उसके बाद जो है पाइप जो है वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक पाइप आपका यहाँ से ये वाला पाइप हो जाएगा, ये इतना आपका पाइप आ जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ से आपका ये बैंड निकल जाएगा कितना डिग्री का ये बैंड है। वहीं पर आपको एल्बो रख करके डायरेक्ट एल्बो रखना है इसके ऊपर लेआउट के ऊपर, और पहले ही आपको इसका जो है जब आप लेआउट मार्किंग करेंगे तो ये जो लेआउट है आपको पहले ही मार्किंग कर लेना है ताकि आपको आसान रहेगा ये सब एल्बो को डिग्री में कटिंग करना है। यहाँ पर जितना डिग्री का एल्बो आएगा सीधा यहाँ पर 90 डिग्री का एल्बो रखेंगे, और यहाँ से राइटिंगल लगा करके और हम इसका मार्किंग कर लेंगे एल्बो का कि यहाँ कितना डिग्री का एल्बो आ रहा है। यहाँ पर तो 90 डिग्री का रहेगा और एक अलग डिग्री का एक एल्बो रहेगा यहाँ पर, और यहाँ पर 90 डिग्री से थोड़ा कम डिग्री का एल्बो रहेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जितना भी डिग्री का एल्बो हो, जैसे 90 डिग्री से कम ही डिग्री का एल्बो रहेगा तो डायरेक्ट आपको 90 डिग्री का एल्बो रखना है, और यहाँ पर आपको मार्किंग कर लेना है कितना हमें कट करना है, बिल्कुल फेस जो है यहाँ पर आकर के सीधा हो जाना चाहिए। इससे आगे ये लाइन से एल्बो जितना आगे रहेगा उतना काट देना है, और ये लाइन से जितना एल्बो बाहर की तरफ निकलेगा उसको भी कटिंग कर देना है। तो हमारा ये दोनों फेस जो है सीधा हो जाएगा और बीच में एक पाइप आ जाएगा। इसी तरीके से आपको जो है यहाँ पर आपको लेआउट मार्किंग करना होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो मैं इसके ऊपर अलग से एक और वीडियो बना दूंगा इस लेआउट के ऊपर। थोड़ा सा ये जो है काफ़ी खिचड़ी जैसा हो गया, छोटा छोटा, इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत हुआ होगा आप लोगों को, लेकिन थोड़ा बहुत आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। सेम वैसे ही यहाँ पर भी हम लेआउट मार्किंग करेंगे, और यहाँ एल्बो का हम डिग्री जो है निकाल लेंगे कितना डिग्री में कटेगा। तो डिग्री को पता करना भी ज़रूरत नहीं है कि ये कितने डिग्री में एल्बो है, हमें डायरेक्ट एल्बो पर मार्किंग कर लेना है एल्बो रख करके। उसके बाद जब आप ये ऊपर की तरफ दोनों पाइप को फिटिंग कर लेंगे इस तरफ का, उसके बाद हम देख लेंगे कितना हाइट दे रहा है यहाँ पर ये वाला, ये पाइप जब निकल जाएगा डिग्री वाला, दोनों एल्बो जब बन जाएगा तो पाइप हम लगा लेंगे, और पाइप लगाने के बाद हम छोड़ देंगे ये वर्टिकल वाला पाइप लगा करके छोड़ देंगे। जब हमें बैंड लगाना है तो इसको हम उल्टा करेंगे, और उसके बाद बैंड लगा करके एक पाइप लगा देंगे, और बैंड लगा करके एक पाइप लगा देंगे, ये काम ख़त्म हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पर जो प्लेट लगाना है आप पहले भी लगा सकते हैं, या फिर आप इसको उल्टा करके भी लगा सकते हैं, देख लेना आपको जैसे आपको इजी हो। लेआउट के ऊपर भी आप फिटिंग कर सकते हैं, ऊपर पाइप के ऊपर प्लेट रख करके,
और नहीं तो आप इसको उल्टा रख करके और डायमेंशन दे करके आपको फिटिंग कर लेना है। तो फ्रेंड ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए और लाइक करिए और हमारे वीडियो को अपने दोस्त के साथ शेयर करिए और हमारे ये चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस तरीका का नीचे लाल बटन होगा उसे आप दबा लीजिए ताकि आगे आने वाला वीडियो आपको मिलता रहे।